Assalamu alaikum and welcome to a new vlog. और अब हम आयशा के लंच की कर रहे हैं प्रेपरेशन, और आयशा को आज मैं दे रही हूँ लंच में रोल्स एंड एप्पल्स. So hard to ignore. Pull up on your right. Ask what you're drinking. Ask what you like. Such a look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. अच्छा जी, तो आयशा के स्कूल में है आज चिल्ड्रंस डे और वो बहुत एक्साइटेड थी, तो अब मैंने इसको तैयार कर दिया है एंड शी इज गोइंग टू स्कूल. उसके बाद मैंने आज सोचा है कि आयशा को स्कूल भेजने के बाद ज़रा मैं एक्सरसाइज करूँगी. बहुत दिन हो गए मैंने नहीं की. We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings every other day. अच्छा जी, तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और आज कुछ हेल्दी नाश्ता कर लेते हैं. नो पराठे, नो ब्रेड, ओनली एग एंड एप्पल्स. जिम जाने के इंतज़ार में मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रही थी कि जिम जाऊंगी तो करूंगी, लेकिन आज मैंने सोचा कर ही लो भाई. अच्छा, ये हम निकाल रहे हैं मलाई, और जब बहुत सारी मलाई जमा हो जाती है तो हम इसका निकालते हैं घी. अच्छा जी, तो अभी अभी हम काम से फारिग हुए थे तो हमें पता चला कि आया है पार्सल. अच्छा जी, तो आयशा को मैंने खाना खिला के सुला दिया है और मैं तो खाऊंगी बिरयानी, और इस बिरयानी की कहानी हम देखते हैं प्लेबैक में. अच्छा जी, तो ये बिरयानी आई थी कल रात को. ये है हमारी एक चच्ची जो कि बनाती हैं बहुत मज़े की बिरयानी, और ये हमारे घर के नीचे वाले फ्लोर पे रहती हैं, और ये जब भी बिरयानी बनाती हैं तो ये मुझे ज़रूर खिलाती हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे इनके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है. तो नगीना कपड़े धो के जा चुकी है. नगीना हमारी हेल्पर है और बहुत तेज़ धूप हो रही है छत पे. यू कैन सी द सन. अच्छा जी, तो मुस्तफ़ा और आयशा दोनों सो रहे हैं, तो क्यों ना ये कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए. कब से सोच रही हूँ और कर नहीं पा रही हूँ. तो ये कबर्ड हमने निकाला है आज और इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं. लगते तो 10 मिनट है, लेकिन ये 10 मिनट में होने वाले काम भी कभी कभी बहुत डिले हो जाते हैं. तो वी आर डन, थैंक गॉड. अच्छा जी, तो ये दोनों बहन भाई जो हैं वो उठ चुके हैं. आयशा उठती है तो वो इतना शोर करती है कि मुस्तफ़ा भी उठ जाता है. तो अब आयशा कर रही है होमवर्क, और उसके बाद मैंने सुनाई इन दोनों को स्टोरी. अच्छा जी, तो उसके बाद हम बनाने लगे हैं रात का खाना. अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.